मेरे कामोठे के अंदर पांच मोर थे, मैं आया तभी पांच मोर थे, आज सभी पांचों पांच मोर कामोठे के अंदर बंद हो गए। सात रिलायंस थे, सात रिलायंस भी बंद हो गए और हमारा पांच दुकान पूर जोश में चालू है सुपरमार्केट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आज पनवेल के कामोठे में फूड मार्ट स्टोर में, जहाँ की इस स्टोर के ओनर भवन जी हमारे साथ हैं। भवन जी, इस बिजनेस में टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए इसके लिए। नहीं नहीं, वो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे को मिलने के लिए आए हैं, मुझे भी उम्मीद थी कि मैं भी किसी से मिलो करके। तो दोस्तों, भवन जी की पूरी कहानी जो इस बिजनेस से रिलेटेड है बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा आपको, वो हम भवन जी से ही सुनेंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। भवन जी, आप इस किराना के व्यापार में कैसे आए, जरा उसके बारे में हमें बताइए। किराना के व्यापार में हम दो जन किराने की दुकान में काम करते थे, उसके बाद दो साल हमको किराने की दुकान में काम किया, उसके बाद इंटरेस्टेड हुआ कि आजू बाजू में सब सुपरमार्केट आने लगी। हमारे खंदा कॉलोनी एरिया में टोटल सात सुपरमार्केट आई थी, तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा नजरिया हम लोग भी कुछ करें, तो हम दो जन ने मिल के है ना किराने के सुपरमार्केट करके स्टोर ओपन की विदाउट बारकोड। उसके बाद 2004 में हम लोगों ने बारकोड वाला दुकान चालू किया फूड मार्केट करके, 2006 में। उसके बाद हम लोगों ने 2008 में ना फूड मार्ट मैंने चालू किया। उसके बाद आज मेरे पास टोटल 7 दुकान सुपरमार्केट है। बहुत अच्छी बात है। और आपने जो शुरुआत किया था वो एक ट्रेडिशनल पुराने तरीके से काम करने वाला किराना स्टोर था, सही? पुराने जो दुकान रहते हैं ना पूरी बांधने वाले, उसके अंदर मैं काम करता था, लेकिन आजू बाजू में जैसे सुपरमार्केट आए ना, मेरे दिमाग में ऐसा हुआ अगर कंपनी वाला कर सकता है तो मैं क्यों ना कर सकूं। लेकिन जो पहले आपने दुकान जो शुरू किया था वो सुपरमार्केट से ही शुरू किया था आपने? नहीं, नाम सुपरमार्केट था लेकिन सुपरमार्केट जैसा काम नहीं करता था। सुपरमार्केट था, पैकेजिंग सब था, लेकिन बारकोड नहीं था मेरे। बारकोड नहीं था। देखिए, इतना बड़ा रिस्क आज भी लोग लेने से डरते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है इतने सालों से, ठीक चल रहा है, उसमें बदलाव करके सुपरमार्केट बनाए पता नहीं क्या होगा। आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? अपने को है ना खुद को ट्रस्ट होना मांगता है, ये धंधा मेरे को करना, मैं करके ही दिखाऊंगा और करते ही रहूंगा, अपने को ही ट्रस्ट रहना मांगता है। तो वाकई ये तारीफ की बात है कि उस टाइम पे जब सुपरमार्केट खाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही करती थी। हाँ, वही करते थे, बाकी छोटे सुपरमार्केट कोई नहीं करते थे, लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के मैंने 2006 में सुपरमार्केट चालू किया था और मेरा सक्सेसफुल हो गया, और 6 का 6 कंपनी वाली दुकान थी और सभी बंद हो गई मेरे एरिया में। तो इस बिजनेस की सक्सेस में आपके फैमिली के कौन लोग इन्वॉल्व थे और उनका क्या रोल रहा है? फैमिली का मेरे पास कोई लोग इन्वॉल्व नहीं थे, मैं अकेला ही करता था, स्टाफ को मैनेज करके मैं ये दुकान चला रहा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग इसमें हिम्मत तभी करते हैं जब उनको लगता है परिवार के कुछ लोग हों जिन पे भरोसा कर सके, उनको लगता है कि स्टाफ की सपोर्ट से इतना बड़ा बिजनेस चलाना मुश्किल है। तो आपने बिना किसी फैमिली के मेंबर के साथ आपने स्टाफ से ही बिजनेस चलाया, तो उसके लिए आपने क्या किया कि आपको पूरा सपोर्ट स्टाफ का मिले? अपने को खुद को ट्रस्ट होना मांगता है बिजनेस चलाने के लिए। सब आदमी काम करते हैं, फैमिली का हो कि बाहर का आदमी को कैसा फैमिली का बनाने का अपने में होना मांगता ही है। बड़ी बड़ी अच्छी बात कही कि बाहर के आदमी को फैमिली वाला कैसे बनाना है, उसके कुछ गुण बताइए, कुछ तरीके बताइए कैसे आप करते हैं। गुण में इसमें ऐसा रहता अपना है ना, लैंग्वेज के ऊपर सामने वाला पार्टी अपना फैमिली बनता है, लैंग्वेज के ऊपर ही बन जाता है, और उसको उस टाइप का रखना मांगता है अपने साथ में, घर पे खाना खिलाने का, घर पे सोने के लिए देने का, और अपने पास काम करते थे।
बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। और आपने बाहर के लोगों को अपना फैमिली वाला बना करके इसको एक फैमिली बिजनेस की तरह आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा चलते हैं कस्टमर्स की तरफ। आप इतने सालों से इस बिजनेस में हैं, आपने क्या देखा है कि कस्टमर्स में किसी तरह का बदलाव आया है, और अगर बदलाव आया है तो कैसा बदलाव आया? बदलाव जब सुपरमार्केट ट्रेंड हुआ ना, जब से कस्टमर में बहुत सारा बदलाव आया है। कस्टमर क्या करते हैं, पहले तो ऐप चालू करते हैं, डीमार्ट में क्या रहते हैं और फूड मार्ट में क्या रहते हैं। आजकल लोग है ना मोबाइल लेके घूमते हैं, इतना मार्केट में कंपटीशन है, वहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वो देख के 10% पब्लिक ऐसी है कि वो देख के ही माल खरीदी करता है। और प्रोडक्ट की चॉइस में जो उनको चीजें खरीदनी होती है उसमें किस तरह का बदलाव आपने देखा है? उसमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को माल रखना मांगता है, जैसे जैसा एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन से एरिया में कौन सा माल बिकता है। हमारे इधर ज्यादा करके ग्रोसरी का बिजनेस है, तो ग्रोसरी में हमको 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक रेंज रखना पड़ता है, ताकि आप हर तरह के कस्टमर को अपन संभाल सके। छोटा कस्टमर आवे तो भी मिल जावे, और बड़ा कस्टमर आवे तो भी मिल जावे। रेंज पूरी होनी चाहिए, शैम्पू में 100 ग्राम से लेके 1 लीटर तक आपको रखना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा कस्टमर तो ऐसा है कि उसको काउंटर पे सर्विस चाहिए, अगर मैं शॉप को सेल्फ सर्विस बना दूंगा, कस्टमर को बोलूंगा आप अंदर जाके खुद शॉपिंग करो, तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा। आपका क्या तजुर्बा रहा है इस बारे में कि कस्टमर क्या चाहते हैं? आजकल क्या है सर, सब सुपरमार्केट बन रही है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस यानी कि बहुत अच्छी है। सेल्फ सर्विस में अपने को जो चाहिए ना वही सामान अपन ले सकते हैं, और कस्टमर को अगर काउंटर के ऊपर देंगे ना, जो मांगेगा वही दे सकते हैं अपन। तो अंदर आता है तो उससे सेल भी बढ़ती है, उससे सेल बढ़ती है। तो आपने कहा कि कस्टमर में बदलाव ये है कि प्राइस कंपेयर कर, प्राइस कस्टमर प्राइस चाहते हैं, कस्टमर चाहते हैं कि खुद अंदर आके शॉपिंग करें बजाय इसके कि लिस्ट देखे वो और सामान लेके चले जाए। लिस्ट तो हमने ना जब सुपरमार्केट ट्रेंड आया ना 2006 से मैंने लिस्ट कस्टमर से लेना बंद कर दिया है। आप ट्रॉली लो, मैं आपको एक बंदा देता हूँ, नहीं समझ में आता है तो, लेकिन मेरी दुकान में आप अपने हाथ से खरीदी करो। एक सुपरमार्केट वाला या किराना वाला होने के नाते आप कंपटीशन के बारे में क्या नजरिया रखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं? कंपटीशन तो सर मार्केट में सभी का है बराबर, अपने को एक खाली रखना लक्ष्य रखना है अपना क्वालिटी। मेन इम्पोर्टेंट जो ग्रोसरी का क्वालिटी है वो अपने को बिगाड़ना नहीं है। प्राइजिंग बढ़ेगा तो बढ़ा देना है, अगर मार्केट में कम होएगा तो कम कर देना है, लेकिन अपने को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए ग्रोसरीज में। और कंपनी प्रोडक्ट में कंपटीशन तो है, उसके ऊपर अपन ऑफ तो देना ही पड़ेगा। ऑफ का अपन स्टिकर जो लगाते हैं कि समझो 500 MRP आपको 350 में आएगा, वो तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, तो इस कारण कि अपना दुकान चल पाता है, नहीं तो अपन फिर पीछे हो जाते हैं। आपके आसपास आप जिस एरिया में हैं, काफी रेजिडेंशियल एरिया है, अच्छा खासा मार्केट है, और आसपास में बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े स्टोर्स भी हैं, तो ऐसी क्या बात है आपके उस स्टोर में, या आप क्या अलग करते हो कि कस्टमर वहां ना जा करके आपके पास आए? मेरे कामोठे के अंदर 5 मोर थे, मैं आया तभी 5 मोर थे, आज सभी 5-5 मोर कामोठे के अंदर बंद हो गए। 7 रिलायंस भी बंद हो गए, और हमारा 5 दुकान पूर जोश में चालू है सुपरमार्केट। उसका कारण क्या रहा है? कारण क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि हमारे दर्शकों का सबसे बड़ा डर है बड़ी कंपनियों के स्टोर। उनको लगता है बड़ी कंपनियों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा ताकत है, बड़े स्टोर्स है, इसलिए वो हमको खत्म कर देंगे। लेकिन आप जो कहानी बता रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, वो सभी उल्टा है, कारण कि अपने को कस्टमर के साथ एक तो रिलेशन बनाना रहता है। कस्टमर के साथ मेन रिलेशन बनाओ, कस्टमर किधर भी जाता नहीं, अपने से ही माल लेता है, और ज्यादा ऑफ के लिए भी बाद में वो भागेगा नहीं। अपने को मेन रिलेशन और सर्विस उसको देना है, टाइम टू टाइम डिलीवरी देना है।
तो आप कह रहे हैं बड़ी कंपनियों के मुकाबले आप या आप जैसे हमारे दूसरे किराना भाई पर्सनलाइज सर्विस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, और पहले आपने क्वालिटी के बारे में बात किया, अगर ये मेंटेन करें तो कस्टमर कहीं नहीं जाए। कस्टमर को खाली क्वालिटी, प्राइजिंग और सर्विस तीन चीज चाहिए। जो जिसको ही रेट से मतलब रहता है वो तो उधर उधर भटकता ही रहता है कस्टमर, वो उधर उधर भटकता ही रहता है कस्टमर। तो जहां तक रही बात प्राइजिंग की, आज कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव हो गया और बहुत सी बड़ी कंपनियों का जो मेन गेम होता है प्राइसिंग जो होता है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं? प्राइसिंग का अभी क्या है, बड़ी कंपनी के साथ आप उन्हें ना प्राइसिंग के लिए लड़ ज्यादा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने और एक्चुअली एमटी और जीटी का फंडा है ना वो बहुत ही अलग है। एमटी में कंपनी वाला हमको जीटी में 900 एमएल का किसान केचप देता है, उसकी एमआरपी 99 रुपीस है, और मॉडर्न ट्रेड में 1 किलो 200 ग्राम का केचप देता है, उसकी प्राइसिंग 160 एमआरपी है। तो कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर 50 रुपीस ऑफ चला के मार्केट में 1 किलो 200 ग्राम 100 रुपया ये 110 में बिकता है, और हम लोग ये 99 वाला 95 रुपीस में बिकता है। मतलब कस्टमर को वहां पे ही मुनाफा दिख जाता है। तो आप कह रहे हैं कि हम प्राइसिंग में भी कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं, और अगर हम मॉडर्न ट्रेड में आ जाए तो उसका भी हमको फायदा, दोनों फायदा हो सकता है। अब थोड़ा सा आपके स्टोर के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग जब बदलाव की बात होती है कि हम काउंटर से सर्विस देते हैं तो हमारा माल सेफ रहता है, कस्टमर जब आराम अंदर आएगा तो चोरी होगा, उसके बारे में आपके आप क्या सलाह है लोगों को, क्या क्या तजुर्बा रहा है आपका इसके बारे में? इसमें सलाह एक है, अगर कस्टमर अंदर आएगा ना, अपना समझो पहले में है ना 5,000 का पर डे बिजनेस करता था सादी दुकान थी, तब जब सुपरमार्केट चालू किया 2004 में 50,000-60,000 रुपया मेरा बिजनेस वही जगह पे उतने वैल्यू पे 50,000-60,000 रुपया मेरा बिजनेस हो गया था 2006 की बात कर रहा हूँ ये, तभी समझ लो जो चोरी होता है उसका 0.5% डैमेज में अपने को निकालना ही है। तो आप कह रहे हैं कि सेल्फ सर्विस करने का फायदा इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी बहुत आधा परसेंट तक अगर आपका वेस्टेज चोरी में चला गया तब भी आप ज्यादा सुखी हो और ज्यादा फायदेमंद हो, ज्यादा फायदे। हाँ, ये चीज बहुत बार लोगों को समझाना मुश्किल होता है और वो इस जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं मुझे कस्टमर को अंदर नहीं आने देना कि सब चोरी हो जाए। नहीं नहीं, 0.5% आपको डैमेज में उसको निकालना ही है, चोरी डैमेज निकालना ही है। तो भवन जी, त्योहारों के समय जब ज्यादा कस्टमर आते हैं और ज्यादा शॉपिंग होती है तो उसके लिए आप विशेष तैयारी क्या करते हैं और कैसे करते हैं? हम लोग को ग्रोसरी का प्रोडक्ट है ना, एक महीने पहले मार्केट से खरीदी करना पड़ता है, फिर उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है, बारकोड लगा के सब लेबल लगा के एकदम बॉक्स भर के रेडी रखते हैं, खाली रेक में सेल्फ में रखने का इतना ही टाइम रहता है अपने पास। आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन और डेटा मिलता है, आज लोग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन का जमाना है, इन्फॉर्मेशन का जमाना तो है, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में कितना काम आती है? इन्फॉर्मेशन अपने को स्टॉक जैसे खत्म हो गया, समझो आप उन स्टॉक है ना, समझो जेमिनी तेल है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको, जेमिनी तेल मैं है ना 15 बॉक्स अवेलेबल रखता हूँ, मतलब 180 पीस मेरी दुकान पे रहता है, जैसे ही 50 पीस रहेगा ना तो मेरा शॉप पे ना ब्लिंक करेगा कि ये स्टॉक खत्म हो रहा है, आप इसको मंगाओ। तो स्टॉक अवेलेबिलिटी, स्टॉक मैनेजमेंट, बाइंग खास करके इसमें आपका, और वो दिखता है आपके स्टोर में स्टॉक अवेलेबिलिटी और रेंज काफी काफी अच्छी है, तो इसका जाहिर सी बात है कस्टमर रेगुलरली उस जगह आएगा जहां उसको उसका प्रोडक्ट मिल सके। एक चीज मैं जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप एक स्टोर से 7 स्टोर आपने पिछले कुछ 15 साल में बनाया, वो मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत से लोग एक गल्ला पकड़ के बैठे हैं तो वो अपनी फैमिली भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कि वो गल्ला नहीं छोड़ सकते। आप 7 स्टोर कैसे मैनेज करते हैं? देखो, जब 7 स्टोर मैंने मैनेज किया ना, मेरे पास 4-5 साल आदमी अगर काम करेगा ना तो मेरे को ट्रस्ट होएगा कि मेरा मेरी जगह पे ये काम कर सकता है, मैं उसको दुकान डाल के देता हूँ
और उसको 20% पार्टनरशिप भी दे देता हूँ, 20% पार्टनरशिप भी दे देता हूँ, फिर वो अपने आप ही दुकान संभालता है वो बंदा। तो मतलब जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है उसको आप इतना डेवलप करके, इतना ट्रेन करके एक तरह से बिजनेस का मालिक बना देते। हाँ, मालिक बना देता हूँ अपना, मेरा सिस्टम ये है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर एक इंसान तरक्की करना चाहता है। हाँ, हर एक इंसान तरक्की करना चाहता है, और आप उसको अगर तरक्की का रास्ता और उस पर मदद करते हो तो वो आपकी मदद करेगा। तो आपके लिए नौकरी नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, खुद के लिए काम कर रहा है, वो खुद के लिए काम। हाँ, मेरा जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम है मेरे पास, 5 साल आदमी काम करेगा मेरी दुकान पे, अच्छी तरह से काम करेगा, मैं उसको है ना पार्टनरशिप बनाता हूँ, सर्विस नहीं करवाता हूँ। बहुत अच्छी। तो आपने उसको पहले, उसको आपने फैमिली का मेंबर बनाया। हाँ, फिर आपने फैमिली का मेंबर जैसा उसको एक बिजनेसमैन भी बना दिया। हाँ, तो आपको उसके बिजनेस पर नजर रखने की जरूरत नहीं, वो मालिक की तरह ही आज में एक बंदा काम करेगा। आपके हिसाब से आज भारत में जो किराना वाले लोग हैं उनका क्या भविष्य है, कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है और होती रहती है, आपका क्या विचार है कि किराना वालों का क्या भविष्य है? किराना वालों का भविष्य है तो अपने को है ना भविष्य बदली करना है, तो अपने को खुद को बदलना पड़ेगा पहले। तो खुद बदलेंगे तो ऑटोमेटिक अपना भविष्य बदल जाएगा, अपन खुद ही नहीं बदलेंगे तो अपना बदलाव नहीं आएगा, और अपने को ट्रस्ट ही होना मांगता है कि अपने को बदलने का है। तो ये बदलाव की शुरुआत कैसे हो, कैसे शुरू, अगर किसी को चाहते हैं वो बदलाव करे, उसकी शुरुआत कैसे हो? तो अपने को जमाना हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा जमाना चल रहा है उस हिसाब से अपने को बदलाव लाना पड़ेगा, तो ही अपन हो सकते हैं, तो नहीं होएगा। अच्छा, लोगों को बहुत बार बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है, हमारे किराना वाले भाइयों को भी अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी कभी कभी गलत फहमियाँ हो सकती है। ऐसी क्या गलत फहमियाँ हैं जो लोगों को लगता है और आपके हिसाब से ऐसा है नहीं? ऐसा गलत फहमियाँ रखने जैसे किराने में कुछ है नहीं। सबसे बड़ा आज की तारीख में बिजनेस है FMCG का, सबसे बड़ा बिजनेस है, कभी भी इसमें मरण नहीं आएगा। अगर आपको पैसे ही कमाना है तो फुल तरीके से आप उन सुपर मार्केट वाला बन जाओ, बाकी मेरा यही सजेशन है, कभी मंदी नहीं आएगा इसमें। मोहन जी, आपने अपना इतना टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे खुद पहली बार बहुत सी बातें सुनने को मिली, और खासकर तो जहां आपने बोला कि अपने स्टाफ को कैसे अपना परिवार बनाना और फिर कैसे उनको बिजनेस का मालिक बनाना, इस तरह से वो भी ग्रो कर रहे हैं और आप भी ग्रो कर रहे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया बात थी। अब चलते चलते हमारे किराना वाले भाइयों को क्या सलाह देना चाहिए? किराना वाले भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ मैं कि अपना जो स्टाफ है उसको पहला ट्रेंड करो, ट्रेंड करने के बाद उसको तुम मालिक बनाओ, मेरी सलाह एक ही है, कारण कि उसको भी तरक्की करना क्या उम्मीद रहती है आदमी को, तो अपने साथ में रह के क्यों ना करे, अपना भी काम होए उसका भी काम होएगा, दोनों का काम होएगा ये। मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और आपकी बड़ी रोचक और मजेदार बात बताने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।